शुरुआत के दिनों में तो बोलने लगे कि मैं लड़की हूँ लेकिन मैं अपने आप को देखती थी कि मैं एक बायोलॉजिकली लड़का हूँ और मेरी जो दोस्ती थी मेरा जो पसंद था मेरा जो रहना सहना था वो लड़कियों के साथ ही था और मैं लड़की बनना चाहती थी और पर घर वालों का ये प्रेशर था कि तुम्हें लड़कों की तरह रहना है और जब मैं बड़ी हुई तो फिर जो कमेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा होने लगे बुलिंग है वो ज़्यादा होने लगे छक्का मामू सिक्सर जैसे अब शब्द मुझे बोलते थे तो मैं स्कूल जाने का मन नहीं करता था मेरा मन करता था कि मैं खुद मर जाऊँ मतलब सुसाइड कर लूँ साथियों नमस्कार आज हमारे साथ हैं विद्या राजपूत विद्या राजपूत एक लड़का से लड़की बनने की रोमांचक कहानी है इस रोमांचक कहानी के पीछे दर्द है अपमान है उपहास है अवहेलना है विद्या राजपूत का जन्म विकास नाम के लड़के के रूप में बस्तर में हुआ और ये विकास नाम का लड़का ट्रांसजेंडर होकर रायपुर आया कितनी प्रताड़ना सही कितनी हंसी के पात्र बना पर रायपुर में आकर के उसने संकल्प और संघर्ष के साथ खुद को स्थापित किया एक बहुत अच्छी पढ़ाई की और शहर में विद्या बहन के नाम से प्रचलित हो गई तो विकास विद्या राजपूत बहन बन गई ये ट्रांसजेंडर भाई और बहनों की एक दर्दनाक दास्ता है आज जो हमारे बीच बैठी हैं उन्होंने एक एनजीओ स्थापित किया है इस एनजीओ के माध्यम से ट्रांसजेंडर भाई और बहनों के लिए वे लगातार प्रयास कर रही हैं हम उनके प्रयास की सराहना करते हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह संघर्ष करते हुए उन्होंने ट्रांसजेंडर भाई और बहनों को बेहतर मुकाम दिया उन्हें मंजिल दिलाई तो विद्या जी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ हमारे स्टूडियो में जी। और जैसा कि आप बस्तर से ताल्लुक रखती हैं तो हमें बताइए कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आया या बचपन से आपने जो एक थर्ड जेंडर की जो पीड़ा होती है उसे आपने सौभाग्य में बदला सुअवसर में बदला एक अपनी पहचान सम्मानजनक बनाई है आपने तो वो सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका जैसे आम बच्चे थे वैसे ही मैं थी लेकिन स्कूल के दिनों में ही लोगों ने छिटा कसी करना शुरू कर दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग मेरे साथ में ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं शुरुआत के दिनों में तो बोलने लगे कि मैं लड़की हूँ लेकिन मैं अपने आप को देखती थी कि मैं एक बायोलॉजिकली लड़का हूँ और मेरी जो दोस्ती थी मेरा जो पसंद था मेरा जो रहना सहना था वो लड़कियों के साथ ही था और मैं लड़की बनना चाहती थी और पर घर वालों का ये प्रेशर था कि तुम्हें लड़कों की तरह रहना है और जब मैं बड़ी हुई तो फिर जो कमेंट्स है वो कुछ ज़्यादा होने लगे बुलिंग है वो ज़्यादा होने लगे जी छक्का मामू सिक्सर जैसे अब शब्द मुझे बोलते थे ओ, तो मैं स्कूल जाने का मन नहीं करता था मेरा मन करता था कि मैं खुद मर जाऊँ मतलब सुसाइड कर लूँ तो एक जो आत्महत्या प्रवृत्ति है वो दिमाग में दौड़ने लगा कई बार घर छोड़ के भाग गई कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी जी और इस तरह से मेरा बचपन रहा और बहुत पिटाई होती थी मेरी और घर का ये प्रेशर रहता था कि तुम लड़का बनो और स्कूल में भी ये था कि मेरे दोस्त कम थे और मैं लड़कों के साथ खेलने या उनके साथ टाइम एक्सपेंड करने में शर्माती थी तो टारगेट होती थी क्योंकि मैं उनके जैसे नहीं थी तो समाज में जो जेंडर रोल बनाया गया है लड़के का और लड़की का उस दोनों ही बॉक्स से मैं बाहर थी तो मैं टारगेट हो रही थी और एक समय आया जब युवावस्था आया जब किशोरावस्था आया तो उस समय अपने आप को बहुत अकेलापन लगता था क्योंकि मैं जैसा सोचती थी मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं फ़ील करती हूँ उसको समझें और रिस्पेक्ट करें और एक्सेप्ट करें उसके बजाय लोग रिजेक्ट देते हैं डिसरिस्पेक्ट करते थे मैं मुझे कहीं इंक्लूड नहीं करते थे तो एक अकेलेपन के दौर से गुजरी और फाइनली मुझे घर छोड़ना पड़ा और अपने शहर आना पड़ा विद्या जी लेकिन आपने इस विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी पूरी की आपने जी। हमें अब आप ऐसा पता लगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं जी। तो ये आपने रेगुलर कॉलेज में ज्वाइन करके पढ़ाई पूरी की कि अलग से ऑनलाइन या पढ़ाई प्राइवेट दिया आपने मेरी क्लास ट्वेल्थ तक की पढ़ाई जो है वो गांव में हुई और मैं एक मिडिल एवरेज की स्टूडेंट रही हूँ शुरू से जी. लेकिन मेरे शिक्षक गणों ने मुझे ये बताया और आसपास मैंने यही सीखा कि एजुकेशन एक ऐसा बेस है जहाँ आप खुद को प्रूव कर सकते हैं खुद को साबित कर सकते हैं एक अच्छा करियर बना सकते हैं जी, जी. एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं तो रायपुर आने के बाद मैं एक होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम करना शुरू की जी। और फिर दिन में मैंने अलग अलग डिग्री डिप्लोमा भी किया जिसमें में मैं, मैं प्राइवेट करी तो मैंने हिंदी लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया फिर एम एस डब्ल्यू किया फिर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट किया और इस तरह से मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करी और चूंकि बिल्कुल अलग अलग फील्ड थे कभी मैंने एग्रीकल्चर से ट्वेल्थ किया था तो कभी हिंदी लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन तो ये मैच नहीं कर रहे थे लेकिन मुझे पता था अब जब हम अलग अलग विभागों में ट्रांसजेंडर इंक्लूजन के लिए पैरवी करते हैं जी तो ये जो एजुकेशन है मेरा एजुकेशन का जो डाइवर्सिटी है वो मेरा काम आ रहा है इस पढ़ाई के दौरान विद्या लड़का से लड़की कब बनी उसका संकल्प कब प्रबल हुआ और वो लड़की में अपने आप को पूरी तरह से ढाल पाई जी मैं तो बचपन से ही लड़की बनना चाहती थी जी पर मुझे कुछ नहीं पता था बस ऐसा सोचती थी कि एक सुबह आ जाए और मैं लड़की बन जाऊं जी कुछ जादू हो जाए और उस जमाने में तो मतलब मैं 96 सिक्स ट्वेल्थ पास आउट हूँ तो उस समय में तो इतना इंटरनेट और गूगल और ये सारी चीजें थी नहीं जी जी तो मेरे पास में कोई ऐसा कोई गाइड नहीं था कि मैं कहीं से कोई चीज़ सीखूं और समझूं <coughs> क्योंकि गांव में मैंने दो लोगों को देखा था एक तेजा जो कपड़े का बिजनेस करता था जी। और एक देवबती जो बाजार उठाती थी फरजगांव बस्तर में जी। जनरली बस्तर में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको कड़बीन कड़वा बोलते हैं अच्छा तो ये टैग मुझे भी लगा हुआ था और मुझे मैं रिलेट नहीं कर पाती थी कि मैं उनके जैसी हूँ लेकिन सब लोग बोलते थे कि तुझे उठा के लेके चले जाएंगे तो वो चीज़ें तो थी और उसके बाद जब मैं रायपुर आई और तीन चार साल के बाद मैं अपने जैसों से मिली जो लड़के के रूप में थे लेकिन उनका सोल लड़कियों का था जी, जी। जो लड़कियों की तरह बात करते थे जी। उसके बाद मैं आ, होटल इंडस्ट्री छोड़ के मैं एक एनजीओ सेक्टर में आई काम करने के लिए और काम करते करते मेरे अंदर में एक आत्मविश्वास आया जो बचपन में लोगों ने मुझसे छीन लिया था वो इच्छा शक्ति वापस आई तब मैंने डिसाइड किया कि जैसी मैं हूँ उस रूप में मैं और अपना जीवन कंटिन्यू करूंगी जॉब करते करते आपने एनजीओ बनाया और आज आपका एनजीओ है इतने लोगों को थर्ड जेंडर लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है प्रेरित कर रहा है तो इस एनजीओ में बहुत से शासकीय पदों पर आपके थर्ड जेंडर साथी सेलेक्ट हुए हैं वो बताना चाहेंगे जी सर मैं दरअसल 2000 काफ़ी समय से हम लगे हुए थे कि कम्युनिटी के लोग जब तक जो है ना वो अपने पैरों में खड़े नहीं होंगे जी लोगों का नज़रिया नहीं बदलेगा तो लोगों का नज़रिया बदलने के लिए जरूरी है कि वो उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो बहुत उससे उनकी भी जिंदगी बदलेगी उनके साथ जो लोग हैं उनका देखने का नजरिया बदलेगा जी, जी। तो हम लोग सरकार से तो पैरवी कर ही रहे थे मतलब मंत्रालय आना जाना डायरेक्टेड आना जाना जी, जी। ये सारी चीजें तो चल ही रही थी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया दो में और जजमेंट के बाद हम लोग सरकार से ये मांग करने लगे क्या जजमेंट आया था कि इस देश में जितने भी मेल और फीमेल के अलावा जो लोग हैं उनको तीसरे जेंडर का दर्जा दिया जाता अच्छा। है ये पंद्रह अप्रैल दो हजार चौदह को आया जजमेंट में बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जी। उस जजमेंट का जो सारांश था उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार को जितने भी फॉर्म हैं चाहे वो प्रवेश के लिए हो चाहे वो भर्ती के लिए हो उन दोनों ही जगह पे सेक्स की जगह जेंडर लिखा जाए और जेंडर में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर लिखा जाए अच्छा। तो हम ये पैरवी करते हुए सफल हो गए अभी दो हजार चौदह पंद्रह से सामान्य प्रशासन ने इसे लिया और सभी विभागों को सर्कुलेट किया हमारा काम था कि सभी विभागों में सेक्रेटरी और डायरेक्टर में डायरेक्टेड को इसके लिए तैयार करना हालांकि कई डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद से इम्प्लीमेंट किया पर कई जगह फॉलोअप करनी पड़ी तो हम फाइनली पुलिस विभाग में पहुँचे और पुलिस विभाग में जाने के बाद एक स्टेट लेवल का वर्कशॉप हुआ और उस वर्कशॉप के बाद एक सर्कुलर पुलिस डिपार्टमेंट से भी निकला और पुलिस में भी मेल फीमेल और थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर का कालम आया तो अब ये चुनौती थी कि कम्युनिटी के लोगों को मोबिलाइज करना, करना और सिस्टम को सेंसिटाइज़ करना और अवेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस के लिए फॉर्म भरे और उसके प्रिपरेशन के लिए कम आउट हो और डिपार्टमेंट उसको सहयोग करे जी अब उसके बाद तैयारी चली लगभग 40 लोगों ने अप्लाई किया और 2017 16-17 में जो वो लगभग एग्ज़ाम हुआ एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन हुआ और रिटर्न एग्ज़ाम का भी हुआ और फाइनली 2021 में जो है वो तेरह ट्रांसजेंडर पुलिस के रूप में सामने आए और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कम्युनिटी के लिए जी। और सोसाइटी के लिए भी जिनको लोग लैंगिक विकलांग समझते हैं अभिश्राप समझते हैं कलंक समझते हैं आधा अधूरा समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं वो तेरह लोग ये बता दिए पूरी दुनिया को कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम और समर्थ हैं वाह उनको देख के छोटे छोटे गाँव से लोग बस्तर फाइटर्स के लिए बाहर आए बस्तर में जी और 15 अगस्त 2022 को फिर से नौ बस्तर फाइटर्स जो हैं ट्रांसजेंडर जो है बस्तर फाइटर्स के रूप में सेलेक्ट हुए तो इस तरह से जो है वो रोजगार से कम्युनिटी जुड़ने लगी और कम्युनिटी के अंदर भी ये सोच विकसित होने लगा कि हम अपने जेंडर आइडेंटिटी के साथ में मेन स्ट्रीम हो सकते हैं वाह तो ये इस तरह से चेंज आया और आज हमारे संस्थान से तकरीबन बहुत सारे लोग टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं बालको में जॉब कर रहे हैं वेदांता झारसुगुड़ा में जॉब कर रहे हैं जी फोर एस में जॉब कर रहे हैं पी डब्ल्यू डी और नगर निगम इन सारे जगह पे कम्युनिटी के लोग जॉब कर रहे हैं तो आपकी संस्थान का पूरा नाम क्या है विद्या जी जी हमारे संस्थान का पूरा नाम है छत्तीसगढ़ मित्वा संकल्प समिति और ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सारे कम्युनिटी के लोग ही हैं वाह बहुत अच्छी बात जी तो विद्या जी आप वहाँ से बस्तर से जी इस तरह के हास उपहास और लोगों का मजाक बनकर के वहाँ से भाग करके रायपुर आई जी अपने आप को स्थापित किया जी एक बड़ी संस्था का रूप आपने बनाया यहाँ पर हाँ। अब वापस फिर बस्तर में आपने बस्तर सेलेक्ट करवाए हैं में वापस जाने पर आपको अब कैसा लगता है वहाँ? वापस जाने पे तो मुझे अच्छा ही लगता है लेकिन जब मैं विकास के रूप में थी जब मैं लड़के के रूप में थी और अभी एक मैं महिला के रूप में हूँ विद्या के रूप में हूँ तो ऐसे में कई रिश्ते मेरे छूटे भी जब मैं इस दुनिया में आई विकास विद्या के रूप में आई तो और कई लोग नए रिश्ते भी बने अभी आना जाना होता है बस्तर जैसे दूसरे क्षेत्र में काम करती हूँ और हम लोग अभी मध्य प्रदेश में भी काम करते हैं दिल्ली में भी काम करते हैं केंद्रीय सचिवालय के साथ भी काम करते हैं तो सब जगह है अब माता पिता तो है नहीं बड़े भाई हैं और अपने पैतृक संपत्ति के लिए उनसे लड़ाई लड़ना पड़ा कोर्ट में क्योंकि उनका ये कहना था कि तू किन्नर है तो तेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो तू खेती बाड़ी का क्या करेगी अच्छा तो मैंने कहा मेरे आगे पीछे नहीं है तो मुझे तो अपने बुढ़ापे के लिए सोचना हो बहुत अच्छी बात और दूसरी बात यह है कि मेरी दोनों बहनों का अंतरवि अंतर जाती विवाह है तो उनकी भी स्वीकारता नहीं है मैं ट्रांसजेंडर हूँ मेरी भी नहीं है तो जो इंसान हमें प्रेम नहीं करता एक्सेप्ट नहीं करता तो उस इंसान को कोई चीज़ दान देने से क्या मतलब तो वो और गांव आना जाना होता है गांव में मेरी एक सिस्टर है और गांव में जितने लोग भी मुझे जानते हैं और जहां तक मुझे याद है कि वो लोग बहुत सम्मान देते हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने आप को उस सम्मानजनक स्थिति के लिए बनाया है तो विद्या जी आप तो बहुत अच्छे स्थान पर इन लोगों को लेकर के आई है संस्था के जरिए लेकिन ऐसे बहुत सा बड़ा वर्ग है जो आज भी भीख मांगने की हद तक काम कर रहा है इस दिशा में जी। ट्रेनों में बाज़ारों में वो उस पर आपका क्या नज़रिया है क्या होना चाहिए और क्या हालात है उनके बताना चाहेंगी सर कंडीशन तो बहुत ख़राब है क्योंकि पिछले दो महीनों में जो है वो सात लोगों ने सुसाइड किया है सात लोगों ने सुसाइड किया सात लोगों ने सुसाइड किया है किसी का रीज़न पार्टनर था तो किसी की फैमिली थी तो किसी का अकेलापन था और किसी का इस जेंडर में होने की वजह से था ऐसे में फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आज मैं किसी को भी दिखाई देती हूँ या सुनाई देती हूँ कि घर पे कोई हिजड़ा आया है या कोई किन्नर आया है तो लोग अपने दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और मुझसे मेरी कोई जात नहीं पूछता कि मैं कौन सी जात की हूँ जी मेरे साथ मेरे जेंडर से ही मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है मेरे समाज के साथ शुरू हो जाता जी, है जी, आज सबसे ज़्यादा किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो वो हमारे समाज को जरूरत है जी जी और रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से सामाजिक स्वीकारता नहीं होने की वजह से पारिवारिक स्वीकारता नहीं होने की वजह से और परिवार और समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक संरचना नहीं होने की वजह से एक ट्रांसजेंडर की कभी शादी नहीं होती वो बच्चा गोद नहीं ले सकता है वो पार्टनर का प्यार उसको नहीं मिलता है जी जी और डिप्रेशन भी बहुत है और इसमें एच आई एड्स का भी खतरा ज़्यादा है और क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेक्सुअल एक्सेप्टेंस ही होता है जी जी। या तो लोग हमें भिकारी समझते हैं या तो लोग हमें देवदूत समझते हैं या तो लोग हमें एक एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो पर इंसान के रूप में कोई नहीं देखता पर जहाँ जहाँ एक एक मानव संसाधन के रूप में देखा गया है चाहे हम मिडिल एज की बात करें तो उस जमाने में भी लोग डाकिए के रूप में सेवा दे रहे थे गुप्तचर के रूप में सेवा दे रहे थे सेनापति के रूप में सेवा दे रहे थे सुरक्षा गार्ड के रूप में सेना दे रहे थे अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों को हम देखें चाहे वो रामायण हो महाभारत हो सभी जगह ट्रांसजेंडरों का बहुत ही अच्छा उल्लेख है महाभारत में तो बहुत बड़ा उल्लेख है बहुत बड़ा उल्लेख है तो जहाँ जहाँ हमारे नेचर को हमारे क्षमताओं को एक मानव के रूप में देखा गया है उस समय कम्युनिटी का डेवलप हुआ है विकास हुआ है वो एक अच्छे जगह पे हुए हैं तो आज मुझे ऐसा लगता है कि पंक्ति में सबसे आखिरी में हम खड़े हैं तो समाज हो चाहे सरकार हो उन सबको रिजर्वेशन के विषय पे सोचनी चाहिए क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं और बहुत दुख होता है जब कोई हमारे जैसा व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है वो एक परिवार का भी लॉस रहता है पर हमें हम व्यक्तिगत जुड़े रहते हैं तो हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है तो ये मौतें ना हो और लोग अपनी ज़िंदगी जिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ में जिए खुशियों के साथ में जिए तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों का एम्पावरमेंट होना और इसमें सरकार की अहम भूमिका होती है और उनको इस विषय पे काम करनी चाहिए विद्या जी मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न जी जी करना चाहता हूँ जी आप अपना मांग भरी हुई हैं एक सुहागन की तरह आप आज हमारे साथ बैठी हुई हैं जी तो इसकी कुछ बातें आप बताना चाहेंगी जी क्या शादी आपने की है क्या है इसका हाँ। कारण देखिए जब जब से मैं युवावस्था में हूँ तो मुझसे ये पूछते थे कि तुम्हारा क्या सपना है तो मेरा एक ही सपना था कि मैं हाउस वाइफ जी और आज मेरे पार्टनर हैं अच्छा और वो भी साथ में हमारे साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे जैसे ही जी और ये सेकंड लॉकडाउन के टाइम पे सोशल साइट पे मुझे मिले अच्छा और क्योंकि मैं अपने आप को एक महिला फील करती हूँ महिला की तरह रहती हूँ महिला की तरह ही सब चीज़ें मैं सोचती हूँ जी जी तो मेरा ये शुरू से ही सपना रहा कि मेरा हस्बेंड हो और आज है वो और मैं चाहती हूँ कि ये अ, मेरे जैसे लोग जितने भी हैं उनके पेरेंट्स सोचें और वो अपने बच्चों से पूछें तुम अकेली हो तो तुमने किसी पार्टनर के बारे में सोचा है क्या तुम शादी करना चाहती हो क्या प्रोसेस होगा क्या तुम ट्रांसवुमेन हो तो कोई तुम्हारे लिए ट्रांसमिन हो सकता है या मेन हो सकता है तो ये सारी चीज़ें परिवार को या समाज के जो लोग हैं उनको जी, पूछना चाहिए जी जी ताकि वो इंसान खुल के बता सके कि हाँ भाई मैं अकेलापन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है पर इस विषय पे सोच सकते हैं तो एक एक संपूर्ण जीवन जो एक स्त्री और पुरुष जीती है वो एक संपूर्ण जीवन एक ट्रांसजेंडर भी जिएगा कितनी अच्छी बात कही आपने जी अभी जैसा एक विचार चल रहा है देश भर में समलैंगिक विवाह का कोर्ट में भी शायद कुछ मामले दायर किए गए हैं इस पर आपकी क्या राय है समलैंगिक विवाह आप लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा क्या होना चाहिए इस पर आ... देखिए समलैंगिक कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो सकता है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो जी, या फिर वो तीनों जेंडर से बाहर का को भी कोई व्यक्ति हो सकता जी, है दो लोग के बेडरूम की बात है उसमें तीसरे आदमी को तो दखल नहीं देना चाहिए ठीक है पहली चीज़ मुझे ऐसी लगती है दूसरी बात ये लगती है कि अगर समलैंगिकों के शादी पे किसी को इतराज है किसी विषम लैंगिक को इतराज है जी, तो समलैंगिकों ने तो कभी भी विषम लैंगिक शादियों के लिए इतराज नहीं जताया जी, तो विषम लैंगिकों को भी समलैंगिकों के शादी पे ऐतराज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये उसका बेसिक राइट्स है जो लव है रिस्पेक्ट है रिलेशनशिप है मैरिज है ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है अगर वो इस दुनिया में आता है तो चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो चाहे वो किसी भी गांव का रहने वाला हो उसका ये बेसिक राइट्स हैं तो किसी को भी इस विषय पे आपत्ति जताने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई ये कहता है कि मुझे आलू खाना पसंद है तो हम उसे कुछ और ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है बिल्कुल या हम उसके आलू खाने पर बैन नहीं लगाए उसे जो पसंद है उसको हम मोटिवेट उसे जो पसंद है उसको हम एलाउ करें और इसी तरह का कानून भी बनाए मेरा एक सवाल ये भी था कि आप लोगों में आपकी कम्युनिटी में जैसे भी आपने वैवाहिक जीवन शुरू किया है तो ये वैवाहिक जीवन अपने अंतर समाज के भीतर आपके होता है कि कोई भी व्यक्ति से विवाह संबंध स्थापित करके आप लोग रहते हैं क्या है इसका सिस्टम जैसे भी आपने अपने लाइफ पार्टनर को चुना सोशल मीडिया से तो आपकी कम्युनिटी के वो व्यक्ति होते हैं वो कैसा होता है इसके लिए क्या नहीं देखिए बहुत सारे जैसे शादी करके रह रहे बहुत सारे जो ट्रांसमैन हैं वो लड़की से भी शादी करके रह रहे हैं और ट्रांसवेन से भी शादी करके रह रहे हैं ये फैसला जो ज्यादातर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आपसी फैसला होता है अच्छा क्योंकि परिवार तो ट्रांसजेंडर होने के कारण ही अलग हटा देता है जी जी अब जब हटा देता है तो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपना अपना जीवन खुद से चलाना पड़ता है तो शादी भी उसका खुद का फैसला होता है जी जी लेकिन मेरे मेरा ये कहना है कि इसमें परिवार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ट्रांस अगर लड़का है लड़की है तो घर पे है और अगर ट्रांसजेंडर है तो भी घर पे होना चाहिए और उसकी शादी की जिम्मेदारी परिवार की होनी चाहिए क्योंकि ये पारिवारिक जिम्मेदारी है ना जी, जी. क्योंकि शादी दो लोगों का होता है जी. लेकिन यहाँ दो परिवार एक हो रहे हैं और अगर परिवार नहीं होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा क्योंकि रिलेशनशिप तो अप डाउन होते हैं आज अच्छे हैं तो चलेगा अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो वो टूट सकता है लेकिन अगर परिवार का साथ होगा इन रिश्तों में आशीर्वाद होगा मार्गदर्शन होगा जी। तो वो रिश्ता लॉन्ग लाइफ चलेगा अच्छा विद्या जी एक हम लोग धारणा बना के चलते हैं कि आपके समाज में कुछ परंपरा होती है <coughs> संगठन में उनको शामिल किया जाता है ऐसा कुछ है क्या <coughs> नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे भी ये डराया गया था कि आ, लड़की जैसे मेरे को बस्तर में छत्तीसगढ़ी में बोलते थे कि छक्का जैसे मत कर बाला जैसे मत कर तोला उठा के ले जाए हाँ, हाँ, ये धारणा ये लोग उठा के ले जाते हैं लेकिन यकीन मानिए आज मैं फोर्टी सिक्स ईयर की हूँ जी पर मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि आप बधाई कर लो आप नाचने चलो अच्छा। आप मांगने चलो अच्छा। कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कभी भी, भी नहीं बोला ऊपर से जब भी कुछ प्रोग्राम होता है मैं कम्युनिटी तक ये बातें पहुंचाती हूं कि आज इस तरह का एक कार्यक्रम है या आज जिस तरह का कोई संगोष्ठी है या परिचर्चा है तो जो लोग खाली रहते हैं वो ज़रूर शामिल होते हैं या कोई हेल्थ कैंप है हेल्थ चेकअप है या राशन डिस्ट्रीब्यूशन है तो लोग सपोर्ट भी करते हैं वॉल्टरी तो कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये काम छोड़ दो और तुम हमारे साथ चलो अच्छा अच्छा लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहूंगी सर पता नहीं वो सवाल में आएगा या नहीं आएगा लोग ये सोचते हैं कि एक ट्रांसजेंडर का मतलब होता है लैंगिक विकलांग जी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई भी इंटरनल पार्ट नहीं है या स्पष्ट नहीं है जी। तो ट्रांसजेंडर तो मैं सीधा सीधा ये कहूंगी कि एक एक साइकोलॉजी जेंडर है जिसमें इंसान का मन और शरीर दोनों अलग अलग होता है अच्छा मतलब शरीर लड़के का है पर मन लड़की का है शरीर लड़की का है पर मन लड़के का है तो ये जो बॉडी और माइंड का जो मिसमैच है वो ही ट्रांसजेंडर होते हैं अच्छा इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं हो है। जी वो लैंगिक विकलांग भी हो सकते हैं वो लैंगिक विकलांग नहीं भी, भी हो, सकते। हो सकते हैं अब फॉर एग्जाम्पल हीरो नागा साहब की में परमाणु बम गिरा जी वहाँ आज भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है कम दिखाई देते हैं एक समय ऐसे भी बच्चे पैदा हुए जिनके इंटरनल पार्ट डेवलप नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लैंगिक विकलांग बच्चे पैदा हुए हैं वो ट्रांसजेंडर हैं ट्रांसजेंडर का सीधा संबंध हमारे हाँ मनोविज्ञान से संबंध है, है हमारा वाह बहुत अच्छी बात आपने बता रही है जी तो अभी वर्तमान में आपके संगठन में क्या प्रयास चल रहे हैं किस दिशा में आप प्रयास कर रही हैं बताना चाहेंगे जी अभी आ, पिछले साल जो है वो आ, समाज कल्याण विभाग के साथ मिलके एक ट्रांसजेंडर पॉलिसी डेवलप हुई है स्टेट पॉलिसी क्योंकि अगर पॉलिसी बनेगी तो स्कीम भी आएंगे जी तो उसके ऊपर काम चल रहा था उसके बाद हम लोग आ, सरकार से जो है वो रिजर्वेशन के लिए लगे हुए हैं जी क्योंकि क्योंकि हमें कभी वो खेल का मैदान नहीं मिला वो स्कूल और वो कोचिंग भी नहीं मिला और फाइनेंशियली जो है पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं तो रिजर्वेशन के लिए हम जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम जाके इस विषय पे बात रखते हैं और इसके अलावा हमारे एक ट्रांसजेंडर शेल्टर होम है जहाँ पे बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के व्यक्ति हैं वो आते हैं रहते हैं ट्रेनिंग लेते हैं जैसे कंप्यूटर का हो गया स्पोकन इंग्लिश हो गया और टैटू हो गया ब्यूटी पार्लर हो गया मेहंदी हो गया डांस हो गया ये ट्रेनिंग लेते हैं और बीच बीच में हम लोग अलग अलग कंपनियों से बात करते हैं कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं इनका एजुकेशन इसके लिए है तो आप उनको अपने कंपनी में जॉब ले सकते हैं क्या तो इस तरह से लगभग 89 लोगों का जॉब लगा हुआ है जी। और डेढ़ सौ से भी ज़्यादा लोग जो है हमारे शेल्टरों में आ गए हैं और रिजर्वेशन के साथ साथ हम लोग हाउसिंग में रिजर्वेशन के लिए भी फाइट कर रहे हैं और लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एस हो गया प्रशासन एकेडमी हो गया पीटीएस हो गया पुलिस एकेडमी हो गया इन सारे जगहों पे हम ट्रांसजेंडर सिलेबस को लेके अपना अनुभव साझा करने भी जाते हैं और अभी बहुत जल्दी जो है वो डी और मेकाहारा में और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सेक्स रिसाइमेंट सर्जरी है जी वो निशुल्क शुरू होने वाला है बहुत अच्छी बात तो इस तरह से काम चल रहे हैं सरकार से हमारा लगातार ये एडवोकेसी रहा है कि रिजर्वेशन के साथ साथ पेंशन भी हो स्कॉलरशिप भी हो तो इसके लिए भी लगे हुए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एक बड़ा सिस्टम है जिनकी पहुंच जो है वो छोटे से छोटे गांव तक है मतलब एक अंतिम व्यक्ति तक है तो अगर गवर्नमेंट मेगनिज़म में ट्रांसजेंडर इंक्लूड हो जाएगा समावेशीकरण हो जाएगा तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर का एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा और जी वो सक्षम समर्थ भी बनेंगे तो विद्या जी ऐसे ट्रांसजेंडर पात्रों को ढूंढने के लिए आप प्रदेश भर में दौरा करती हैं कैसे अपने सेल्टर में उनको बुलाती है हाँ, कैसे पहचान करती है जी एक एच आई एड्स का प्रोग्राम चलता है वो बहुत से शहरों और जिलों पे चलता है जी राज्य में भी और राज्य के बाहर भी और देश में भी और देश के बाहर भी जी जी और उसके थ्रू हम लोग कम्युनिटी में इंटर किए थे और जब हमारे यहाँ तेरह ट्रांसजेंडर पुलिस बन गए फिर टाटा गए बालको गए बस्तर फाइटर्स में गए तो कम्युनिटी के लोगों को आ, मतलब नेटवर्क बन जाता है और वो बच्चे भी दूसरे बच्चों से बात करते बात हैं कि करते हैं। आप यहाँ चले जाओ आप पढ़ाई लिखाई करो और ट्रेनिंग लो फिर कही न कहीं ना कहीं जॉब आपको मिलेगी और इस तरह से वो नेटवर्किंग बनी हुई है अच्छा। और हमारे कई सोशल मीडिया के ग्रुप्स भी हैं जैसे आपके ग्रुप्स होंगे तो उन ग्रुप से माध्यम से हम सूचना भी देते रहते हैं कि ये ट्रेनिंग चल रही है जो इंटरेस्टेड हैं आ जाए ये हेल्थ कैंप है जो चेकअप कराना चाहते हैं वो आ जाए तो इस तरह से वो भी हैं और कई वॉलेंटियर भी हैं कम्युनिटी से तो हम उनके तक भी सूचना पहुंचाते हैं कई और एनजीओ हैं जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं उनके माध्यम से भी सूचना पहुंचाते हैं गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो नोडल डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से भी सूचना पहुंचाते हैं है, 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 तो इस तरह से लिंक बना हुआ है आपने जॉब के लिए अपने कम्युनिटी के लोगों को तैयार किया उनको संबल दिया अभी खेल और संगीत में संगीत में तो खैर आपके यहाँ काफ़ी कलाकार हुए हैं खेल में क्या ऐसी संभावना बन रही है कि ट्रांसजेंडर भी स्पोर्ट्स में आगे कुछ कर सकते हैं क्या लगता है आपको 2012 में हम लोगों ने एक थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट कराया था और ये नेशनल स्पोर्ट्स मीट था और यहाँ पे बहुत सारे राज्यों के लोग आए हुए थे और ये पहला इवेंट था जो नेशनल लेवल का जो स्पोर्ट्स मीट हुआ और लोगों ने दौड़ा लोगों ने भागा लोगों ने हाई जंप किया लॉन्ग जंप किया कबड्डी खेले खो खो खेले तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिनको हम ट्रेनों में मांगते देखते थे जिनको हम रेड अलर्ट एरिया देखते थे जिनको हम दान भिक्षा लेते देखते थे आज वो आम लोगों की तरह खेल रहे हैं जी। और इनके अंदर भी वही फुर्ती है और वही आत्मविश्वास है उसके बाद 2016 में स्टेट लेवल का एक थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स पॉलिसी हुई और हम इवेंट का प्लान ही कर रहे थे और 2019 में जो है वो लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें आई 19 बीस में तो अभी प्लान है ये एक स्पोर्ट्स मीट का और उसके बाद ये फिरेंग... तो इंटरनल हो गया हाँ। आपके ही ग्रुप के बीच में हो गया हाँ मेरी जिज्ञासा थी कि आप अन्य खिलाड़ियों के साथ हाँ, किस स्तर पे भाग लेंगे या वहाँ पे कोई जाने के लिए कोई प्लान बन रहा है क्या एथलीट्स में या अन्य और खेलों में बैडमिंटन लॉन टेनिस टेनिस हॉकी हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें अगर जाएंगे तो वो क्या शासन की व्यवस्था होगी उनको किस में लेंगे पुरुष वर्ग में लेंगे कि महिला वर्ग में लेंगे अगर कोई खिलाड़ी के रूप में जाना जैसे सिपाही में चला गया आपके यहाँ से कैंडिडेट तो खेल में क्या संभावना लगती है सर देखिए खेल में भी ट्रांसजेंडर को ट्रांसेंडर के साथ ही फाइट करे तो बेहतर है अच्छा क्योंकि अभी एक तिरंदाजी के लिए बात चल रही थी मतलब ये एक इंटरनेशनल गेम होने वाला है जी। और ट्रांसेंडरों को महिला से ही कम्पीट करना होगा अच्छा लेकिन हार्मोन्स uh, लेवल और बाकी चीज़ें भी देखी जाती है जी तो वो फिर से एक अड़चन आ जाएगी अच्छा तो हम लोगों ने फिर इसी चीज़ को लेके 2019 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में पैरवी किया मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में जी उसके साथ में जब पैरवी किए तो फिर उन्होंने जो खेलो इंडिया में ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया लेकिन वही बात है कि यहाँ से थोड़ी दिल्ली दूर है ये सब चीज़ें करनी होगी तो दिल्ली में ही रहना होगा समय लगेगा क्योंकि जब फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाती है तो हर टेबल पे जाके सेंसिटाइज करना पड़ता है जी जी। एक लीगल और लॉजिक चीज़ों को रखना पड़ता है तो खेलो इंडिया में तो शामिल हो गया है लेकिन नेशनल और स्टेट लेवल लेवल के जी। और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स मीट हो या स्पोर्ट्स हो ट्रांसजेंडरों का इसके लिए लगातार पैरवी करने की ज़रूरत है किन्नरों के प्रकार भी होते हैं क्या या टाइपोलॉजी किस तरह की होती है बताना चाहेंगे जी जी देखिए सर ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले आ, एक जो आम धारणा थी और जो एक भाषा थी किन्नर वो किन्नर जो है ना एक धार्मिक आइडेंटिटी है अच्छा ठीक है अभी जेंडर ट्रांसजेंडर है और अब हम अंदर थोड़ा सा घुसते हैं तो जैसे कि मैं एक लड़के के रूप में थी विकास के रूप में फेमिनाइन मेल थी उस टाइपोलॉजी को कोती कहा जाता है अच्छा ठीक है और अलग अलग, अलग जगह अलग अलग चीज़ें भी कहा जाता है कई कोती जो है वो परी बन के भी डांस करते हैं हाँ। अधिकतर आप देखोगे नाचा गम्मत होता है जी, जी।, जी। है, तो परी बन के जो डांस करते हैं वो अधिकतर लोग इस कम्युनिटी से होते हैं लेकिन सब लोग नहीं होते कोई कलाकार भी परी बन के डांस करता है आप बिहार में देख लीजिए जो लौंडा डांस करते हैं जी वो उसमें से ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो भी कम्युनिटी से रहते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लौंडा डांस करने वाले ट्रांसजेंडर होते हैं आप हर जगह जाएंगे तो अलग अलग आपको ऐसी टाइपोलॉजी मिलेगी जैसे कि जोग जोगप्पा जो हो गया कर्नाटक और सोलापुर के आसपास के लोग हैं तो यहाँ भी ज़्यादातर आ, लोग जो रहते हैं कम्युनिटी से ही लोग रहते हैं तो ये पहली टाइपोलॉजी आप जो फीमेल टू मेल बनते हैं तो आप टॉम बॉय को देखोगे जो लड़कों की तरह रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर टॉम बॉय ट्रांसजेंडर होगी या होगा ठीक है तो एक टॉम बॉय टाइपोलॉजी हो गया कोती टाइपोलॉजी हो गया उसके बाद में दूसरा टाइपोलॉजी आता है ट्रांस उमेन का जैसे कि मैं अपने शरीर का रूपांतरण करके आज मैं एक फीमेल अटार में हूँ तो मैं ट्रांसवुमेन हो गई और मैं फिर किसी को गुरु बना लूँगी गुरु बहन बना लूँगी या चेला बना लूँगी शिष्य बना लूँगी और एक मैं डेरे में रहूंगी एक आश्रम में रहूंगी मेरा काम रहेगा दान मांगना आशीर्वाद देना लोगों की खुशियों में शामिल होना जी, तो उस टाइपोलॉजी को हिजड़ा कम्युनिटी कहा जाता है अच्छा ठीक है और जनरली हिजड़ा कम्युनिटी जो है वो भारत और भारत के आसपास के जितने भी हिंदी भाषी राष्ट्र है उन राष्ट्रों में भी ये कल्चर है जिनको हिजड़ा समुदाय कहा जाता है और ये हिजड़ शब्द से बना हुआ है उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रांसमेन का जो टॉम बाय अपना शरीर रूपांतरण करते हैं और एक लड़के के रूप में आप जिनको देखते हैं वो लोग हैं ट्रांसमेन उसके बाद बहुत सारे धार्मिक ग्रुप हैं जैसे कि शिव शक्ति जो शिव की आराधना करते हैं यूपी के आसपास के शिव मंदिरों में मिल जाएंगे सखी समुदाय जो कृष्ण की आराधना करते हैं जो आपको मथुरा वृंदावन में मिल जाएंगे जो जोगप्पा है जो सोलापुर में आपको दिख जाएंगे अरावनी हैं जो आपको साउथ इंडिया में मिल जाएंगे तो इस तरह से बहुत लार्जर कम्युनिटी है क्वीर कम्युनिटी है जो किसी जेंडर आइडेंटिटी को नहीं मानते हैं ना वो मेल में रहना चाहते हैं ना फीमेल में रहना चाहते हैं ना वो ट्रांसजेंडर में रहना चाहते हैं अच्छा मतलब वो उनका जो जेंडर एक्सप्रेशन है या जो जेंडर रोल है वो हमेशा चेंज होता है वो क्वीर कम्युनिटी है इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं सर जैसे कि नो डिसक्लोज जेंडर नो आइडेंटिफाई जेंडर नॉट कोई कन्फर्म नहीं है जिनका जेंडर तो ये बहुत डाइवर्सिटी है जेंडर के अंदर में तो ये सारे जो लोग हैं वो अभी तो भारतवर्ष में ट्रांसजेंडर के अंदर आते हैं और कई लोग अपना ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी भी नहीं लेना चाहते हैं सर्जरी करा के अपनी आइडेंटिटी मेल और फीमेल लेना चाहते हैं जानना चाहता कि इसमें सर्जिकल पार्ट का मेडिकल पार्ट का क्या रोल रहता है कैसे सर्जरी का बताना चाहेंगे हाँ देखिए मुझे ये फील होता है कि मैं लड़की हूँ तो फिर मैं एक मनोवैज्ञानिक या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास में मैं अपना काउंसलिंग कराती हूँ वो छह महीना भी हो सकता है दो साल का भी हो सकता है जनरली इसमें पेरेंट्स को भी साथ में जाना चाहिए क्योंकि बच्चा अगर लड़का से लड़की या लड़की से लड़के के रूप में अपना शरीर रूपांतरण कर रहे हैं जी। जब उनकी सोशल आइडेंटिटी चेंज होगी तो पेरेंट्स को ही साथ में खड़ा होना पड़ेगा तो पेरेंट्स को साथ में खड़ा होना पड़ेगा मतलब पेरेंट्स की भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है जी। तो ऐसे सिचुएशन में, में मेरी काउंसलिंग होगी मेरी काउंसलिंग के बाद में मेरी हारमोन शुरू होगी तो जो शरीर जैसे कि मैं मेल टू फीमेल हूँ अपना शरीर जो मैंने चेंज किया है तो वो वो जो लड़के का जो हारमोन्स है वो ब्लॉक होगा और फीमेल हारमोन्स दिया जाएगा अच्छा उसके बाद मेरे वाइस में मेरे बॉडी में चेंज आएगा उसके बाद फिर मैं सर्जरी कराऊंगी जैसे कि मैंने अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया है टॉप सर्जरी उसके बाद फिर जो फीमेल इंटरनल पार्ट डेवलप कराया है अच्छा तो ये चीज़ें अपने शरीर में मैंने चेंज किया है तो क्या ये मेडिकल साइंस में डेवलप हो जाता है संभव है पूरा हाँ सर अच्छा। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से ये जो सेक्स रिसाइमेंट सर्जरी है वो निशुल्क है अच्छा हाँ बहुत अच्छी सुविधा दे रही सरकार जी भी। और जैसे जिन लोग फीमेल बॉडी टू टू मेल होते हैं जो अपना शरीर रूपांतरण कराते हैं उनका ब्रेस्ट रिमूव होता है और मेल इंटरनल पार्ट डेवलप किया जाता है दोनों ही सर्जरी सर्जरी सक्सेस है यहाँ पे बीच में आपके द्वारा सामूहिक विवाह का भी एक प्रचलन हुआ हाँ, था उसके हाँ। बारे में बताना चाहेंगे जी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रिलेशनशिप में थे और हमने उनसे पूछा कि क्या आप शादी करना चाहते हैं जी। तो उनका जवाब था कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं तो देश भर से बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों के फोन आए मैसेज आए जब हमने ये प्लान सर्कुलेट किया तो उसमें से पंद्रह किन्नर जो अपने पार्टनर के साथ थे वो लोग उन्होंने फिर शादी के लिए सामने आए और यहाँ पे तीन दिवसीय कार्यक्रम हुआ जी और जितने हमारे मंत्री मंडल के जो जन प्रतिनिधि हैं सारे मंत्री हैं वो भी आशीर्वाद देने आए जितने जान पहचान के लोग हैं जितने हमारे वेल विशर हैं वो सारे लोग आए कोई कन्याकुमारी से भी आए तो कोई कश्मीर से भी आए और बहुत भव्य आवेदन था और इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसजेंडर लोगों के शादी को मान्यता मिले वाह। एक फैमिली मिले उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे जी। और उसमें से 10-12 जो जोड़ियां हैं वो आज भी कंटिन्यू हैं अपने रिश्तों में तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है भारत में तो विद्या जी या किन्नर कहें इनका उल्लेख मैथोलॉजी से है पौराणिक कथाओं में है जी अभी आपका प्रयास संस्था के रूप में बहुत अच्छा जो चल रहा है रोजगार के लिए तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कनेक्टिविटी आपकी है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का कोई मान्यता का कोई रोल हो या आपने जुड़ा हो पैदा किया हो या ऐसे संपर्क बने हो बताना जी, चाहिए देखिए देश से बाहर तो मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ एक दो बार ही गई हूँ जो एशिया लेवल के जो मीटिंग हुए हैं वहीं तक गई हूँ जी और कई जगह तो भारत से भी खराब कंडीशन है जी। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में तो तीसरे जेंडर का ही दर्जा नहीं दिया गया अच्छा और पाकिस्तान चूंकि भारतवर्ष में हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ट्रांसजेंडरों का उल्लेख है जी। मंदिरों में इस विषय को लेके चित्र भी उकेरी गई है, जी, जी। है ना एक जी। मूर्ति के रूप में तो कहीं ना कहीं एक, एक जो कम्युनिटी के लिए जो भारतीय लोगों का जो नजरिया है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी पॉजिटिव भी है मतलब एक संस्कृति से जुड़ी हुई जी, चीज़ें हो गई है जी, जी. लेकिन दूसरे देशों में उतना चीज़ें डेवलप नहीं हुई है हाँ लेकिन मैं थाईलैंड की बात कहूँ तो टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रसेंट जो है वो ट्रांसजेंडरों के द्वारा दिया जाता है थाईलैंड में थाईलैंड में जी. तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खुद का क्लिनिक है ट्रांसजेंडर क्लिनिक चलाते हैं होटल चलाते हैं टिफनी शो चला रहे हैं और ख़ुद एम्पावर हैं खुद का बिजनेस चला रहे हैं जी, जी, तो बहुत सारी चीज़ें थाईलैंड से चीज़ें ली जा सकती हैं एक मॉडल के रूप में नेपाल भी है जो बहुत आगे निकल के आया है क्योंकि नेपाल में भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और बांग्लादेश की मैं बात करूं या दूसरे और आ, देशों की मैं बात करूं तो वहाँ उतना विकास नहीं हुआ नहीं। है जितना दूसरे देशों में हुआ है विद्या जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं और हमारे दर्शकों को बहुत सी भ्रांत धारणाओं से मुक्ति मिलेगी आपकी बातचीत के बाद और आपने जो सराहनीय प्रयास कर रही हैं अभी अपनी कम्युनिटी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरक है और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज विद्या जी की बातचीत से बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी और हमारे ट्रांसजेंडर भाइयों को भी बल मिलेगा संबल मिलेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार और दर्शकों आपका भी आभार